इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा का, सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय, जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, इस 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित है। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझुआ और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये चीजें दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। स्वाभाविक रूप से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस परिणाम को लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लग करके इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं उन सभी को भी हृदय से इस जीत पर बधाई देता हूं। जनता जनार्दन का मैं पूरी विनम्रता के साथ अभिवादन भी करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है
और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास अघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नियत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम, इस ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करते हैं। या गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, वृद्ध, शोषित, पीड़ित और वंचित की आशा और आकांक्षा पर जनता जनार्दन की विजय का एक प्रतीक है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से मार्ग से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी की एक पराजय भी है। लाखों कार्यकर्ताओं के संकल्प की सिद्धि हुई है, उनका परिश्रम आज सार्थक हुआ है। बीजेपी, एनडीए के और महायुति गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। विजयी प्रत्याशियों को अपनी बधाई देता हूं। खासतौर पर मुझे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में मतदान के दिन से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नलकल प्रलाप कर रही थी, जनता जनार्दन ने उसको कैसे जवाब दिया है। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें कुंदर की भारतीय जनता पार्टी इस सीट को 1.25 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है, और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त होने वाली है। गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 70,000 वोटों से जीत रहे हैं। फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 11,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। खैर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 38,393 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। कटहरी में भारतीय जनता पार्टी के श्री धर्मराज निषाद 35,700 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। मीरापुर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल 30,426 वोटों से विजयी घोषित हुई है और मझुआ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 4,863 वोटों से विजयी घोषित हुई है। ये कुल जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, ये उनके आंकड़े आपके सामने मैं दे रहा था और
भारत समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन का आकलन आप कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती थी कि सीसामऊ और कुंदरकी का चुनाव कैंसिल होना चाहिए, सीसामऊ में समाजवादी पार्टी विजयी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां पर मात्र 8600 वोट से जीती है। आप अनुमान करिए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2022 में इस सीट पर, समाजवादी पार्टी 2022 में जो हार का अंतर था यह 12200 से अधिक वोट से था, और यह इस बार केवल 8000 वोटों तक सीमित रह गई। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे, और इस बार यह अंतर मात्र 14000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये पूरा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं, यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। ऐसे ही महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 288 में से भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे लीड कर रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 40 सीटों पर, यानी कुल 226 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन विजयी हो रहा है। याद करिए शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 सीटें आ रही हैं, और महाअघाड़ी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है अखिल भारतीय स्तर पर, ये मात्र 49 सीट जीत रही, 49 सीट से मात्र पर सीमित रह करके रह गई है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, और विजयी प्रत्याशियों को भी अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस ऐतिहासिक जीत के अवसर पर, ऐतिहासिक विजय के अवसर पर